राहुल गांधी जो हैं ये गांधी कैसे बन गए? ये तो नेहरू का खानदान है, ये गांधी कैसे लग गया नाम साथ इनके? ये तस्वीरें लगाते हैं प्लीज, वो मुझे चंद सेकंड और दे दें ताकि वो बात कंप्लीट कर लूं, इंपॉर्टेंट बात है जी। वो। फोटोग्राफ्स अगर साथ लग जाएंगी तो बड़ा बहुत मेहरबानी होगी प्रोडक्शन टीम की। इनके साथ गांधी का नाम कैसे लग गया? ये तो नेहरू डायनेस्टी है। इंदिरा गांधी की शादी हुई थी जिन साहब से, इंदिरा गांधी जिनसे शादी करना चाहती थी, इंदिरा गांधी तो नहीं थी ना, नेहरू की बेटी थी, तो गांधी कैसे बनी? ये एक 30 सेकंड और जी। उनकी, वो नेहरू की बेटी है जी, वो शादी करना चाहती है एक बंदे से जिसका नाम है फिरोज खान जो कि मुसलमान है। नेहरू की बेटी शादी करना, इंदिरा शादी करना चाहती है फिरोज खान से जो कि मुसलमान है और नवाब खान का बेटा है, वो भी मुसलमान है। अब क्या करें, आगे तो नेहरू ने अपने खानदान चलाना है और एक कांग्रेस पार्टी को लीड करना है, तो ये तो बड़ा फंडा पड़ जाएगा। तो महात्मा गांधी वहां पे फिरोज खान नामी लड़के को या नौजवान को, वो उनके साथ एक हलफनामा साइन होता है इंग्लैंड में और वो फिरोज खान से फिरोज गांधी बन जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक मिनट मैं नहीं, 30 सेकंड और, 30 सेकंड और भी क्लोज ना करें। वो फिरोज गांधी बनता है ठीक, और फिरोज गांधी बनने के बाद वो मुसलमान है, उसकी आगे फैमिली चलती है और फिर राजीव गांधी की शादी, यानी ये मुसलमान हिंदू मिक्स है, फिर राजीव गांधी की शादी होती है ईसाई कैथोलिक से, सोनिया गांधी से, और फिर आगे राहुल गांधी की जो बहन प्रियंका है उनका जो शौहर है रॉबर्ट वर्दा, वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन मुसलमान, क्रिश्चियन पारसी, मुसलमान पारसी क्रिश्चियन, तो ये वो आरएसएस नहीं है, इंतहा पसंद हिंदू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत इनमें से कौन से सरदार वापस पलटेंगे जी मैं नहीं जानता। मैं आपको उनकी सबसे बड़ी नेहरू डायनेस्टी की कहानी बता गया कि उनके नाम के साथ गांधी कहां से आ गया, वो तो नेहरू के बच्चे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी, नाज़रीन गांधी का बच्चा नहीं है इनमें से कोई।